कोरोना का संक्रमण हर ओर है, हर व्यक्ति चाहता है कि अपने स्तर पर कम से कम वो मुकाबला कर सके, और मुकाबला करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको स्वस्थ रहना है। इसीलिए स्वामी रामदेव हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। स्वामी जी बहुत स्वागत है आपका। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो अभी तक अपने आप को इस संक्रमण से बचा कर रखे हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका शरीर स्वस्थ रहे और कम से कम ये जो ऑक्सीजन के लिए एक जद्दोजहद देखने को मिल रही है कि ना अस्पतालों के पास है ना मरीजों को मिल रहा है, तो उस हिसाब से वो अपने फेफड़ों को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं स्वामी जी, तो आज ऐसे लोगों को क्या बताएंगे आप? एक तो ये जो काढ़ा हमने बताया था, ये गिलोय का काढ़ा, गिलोय और तुलसी का काढ़ा तो पूरे देश को पीना चाहिए। जिनको गिलोय और तुलसी नहीं उपलब्ध होते उनको हम गिलोय और तुलसी सबको उपलब्ध भी करा रहे हैं। जिनका फेफड़ा बहुत कमजोर हो जाता है या पहले से जो एस्थमेटिक पेशेंट है वो थोड़ा सा ये स्वासारी और जो है इसको उबाल करके और इसको इसका सेवन कर ले, और इसके साथ साथ जिनका फेफड़ा बहुत ही कमजोर है पहले से ही थोड़ा दिव्य पे पीते रहे, ये तो आयुर्वेदिक हर्बल टी है, कोई भी अपने घर में, पहले हमारे यहाँ सदियों से बनाई जाती थी, अभी लोग भूल गए थे, फिर से याद दिला रहे हैं। तो इस तरह से ये चीजें जो सदियों पुरानी थी हमारी, गिलोय तुलसी का काढ़ा पीते थे, अलग अलग जड़ी बूटियों की चाय बना करके पिया करते थे, ये तो सेवन करते रहे। और अपने बीपी को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने के लिए इसको बोलते हैं हिप बाथ, ये पानी के अंदर थोड़ी देर कुल्लों के अंदर और पेट के ऊपर तक ये पानी भरा रहता है और इससे बीपी एकदम नॉर्मल रहता है। एक होता है इधर ये स्पाइन बाथ, ये चीजें वैसे घर पर थोड़ी मुश्किल होती हैं कि नीचे से इसको पानी ऐसे पीछे से लगता है, इसके हल्का सा ऊपर उठो तो ये पीछे से इसकी पीठ में लग रहा है, अब ये भी आगे से दिखा रहा है पीछे से नहीं दिखा रहा है। और इधर से ये आर्म एंड फुट बाथ बोलते हैं, गर्म बाल्टी के अंदर भी पानी के अंदर ये ऐसे हाथ और पैर डाल करके बैठ जाते हैं, ये भी बीपी को नियंत्रित करने के लिए ठंडे पानी से ऐसे ढक देते हैं। एक बात अच्छा तरीका है जल नेति और सूत्र नेति का, ये जल नेति जो है ये नाक को भी खोल देती है और ये बीपी को नियंत्रित करने के लिए, मन को शांत करने के लिए भी बहुत अच्छी। एक नाक में ऐसे ये लोटा लगा दिया, मुंह खोल के रखा, नाक से श्वास नहीं लेना मुख से श्वास लेना, तो एक नाक से लगाया दूसरे से टपकने लगा, ऐसे तेल लगा करके कैथेटर में और इसको नाक के अंदर ऐसे डाल दिया और इसको फिर मुंह से निकाल दिया, ये सारी चीजें बहुत ही मददगार होती हैं अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए। शेष ये जो है स्टीम दे करके और अंदर इसमें स्टीम बॉक्स में स्टीम भर दिया जाता है, आदमी के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख दी जाती है और इधर एक हम नस्य कराते हैं, ये तो बड़ा ही जबरदस्त है। ये थोड़े थोड़े डिटॉक्स के उपाय, अपने नाक के अंदर सरसों का तेल, तिल नारियल का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल, ये सब डाल करके अपने आप को, क्योंकि लोगों के नाक भी बंद है, रिलैक्स करने के लिए। और ये सिरोधारा, अक्षी तर्पण, आंख के अंदर ये त्रिफला घृत डालते हैं, ये उड़द के आटे से ये पूरी बना करके आंख के अंदर ये अक्षी तर्पण कराते हैं, ये भी बड़ा जबरदस्त है। और जो कमजोर लोग हैं उनको अपने आप को पहले कहते थे ना भाई तगड़े हो जाओ मालिश करके, ये कोरोना ठाड़े का कुछ बिगाड़ेगा नहीं, माड़े को छोड़ेगा नहीं। तो ये जो है अभ्यंग का एक तरीका, ये ड्राई मसाज इसको कोल कुलत्थादि बोलते हैं, इसको अब उद्वर्तन उसको कहा जाता है। और जिनके पेट बहुत गड़बड़ है उनके लिए तो तरीका होता है, ये दूध के अंदर डाल देते हैं एरंड का तेल, और उस एरंड के तेल को डाल करके थोड़ा इसके अंदर हनी डालकर, 3 चम्मच एरंड का तेल, 3 चम्मच हनी, थोड़ा सेंधा नमक और दूध के अंदर ये डाला, और ये कैथेटर होता है, अब टीवी के एक मर्यादा इससे ज्यादा नहीं दिखाएंगे, ये कैथेटर जो है ये अब इसके अंदर चला जाएगा एनस से और ये पूरा खाली हो जाएगा, 0.5 से 1 लीटर तक पेट एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। तो ऐसी ये चीजें पहले भूल गए थे लोग, हम याद दिला रहे हैं। और किसी को बहुत ज्यादा टाइफाइड हो जाता है तो लोग घबरा जाते हैं, तो एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, ये है खूब कला, ये है मुनक्का और यह है अंजीर, 3 पीस खूब कला के, 8 से 10 दाने मुनक्का के और 2-3 ग्राम ये खूब कला, इनको पीस करके और इसका काढ़ा बना के पी लेते हैं, ये तो टाइफाइड के लिए रामबाण चीजें। ऐसी चीजें हम भूल गए थे, मैंने थोड़ी सी इन चीजों की याद दिलाई।
और जो हेल्दी आदमी है रोज यदि वो मात्र 5 मिनट भी सूर्य नमस्कार कर ले तो फिर वो कभी कोरोना से संक्रमित नहीं होगा। और बाई दफा हो भी गया, जैसे भगवान की कृपा से मैं ना हुआ और ना होऊंगा, क्योंकि मैं रोज सूर्य नमस्कार करता हूं, सैकड़ों लोग मुझसे भी मिले जो कोरोना से संक्रमित थे अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौकों पर, लेकिन मैं रोज ऐसे 10 से लेके 25 बार कम से कम ये सूर्य नमस्कार करता हूं। तो मैं सबसे कहूंगा ये सूर्य नमस्कार के बार अभ्यास कम से कम 5 से 10 मिनट समय की दृष्टि से, नहीं तो 25 से 50 बार ऐसे ही सूर्य नमस्कार अवश्य कर ले तो कोरोना से संक्रमण। स्वामी जी आजकल तुलसी का काढ़ा, आजकल एक और दिक्कत हो रही है कि किसी को अगर ऐसे लक्षण लगते हैं और वो टेस्ट कराने के लिए जा रहा है, उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट मिलने में उस व्यक्ति को कम से कम तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो इस दौरान क्या करना है? वैसे तो डॉक्टर्स बताते हैं कि दवाइयां आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोई भी लक्षण को आप आजकल मानकर चलिए कि हो सकता है कि COVID-19 का ही लक्षण हो, तो इस दौरान लोग क्या कर सकते हैं ताकि वो तैयारी एक तरह से कर लें, अपने शरीर को स्वस्थ और ज्यादा तैयार रखें? ये आपने एक अहम बात पूछी, 3 से 5 दिन लोगों को लग रहे हैं टेस्ट का पता लगने में, और तब तक उस व्यक्ति से कई बार तो पूरा परिवार संक्रमित हो जाता है। तो पहली बात तो यह है किसी को भी सर्दी जुकाम और ये कोरोना के अब लक्षण सारे देश को पता लग गया है, ऐसी परिस्थितियों में इन जिसको भी सर्दी जुकाम हो, गला खराब हो जाए, फीवर उतरे नहीं, तो ऐसी परिस्थितियों में उसको अपने आप को होम क्वारंटीन करके सबसे पहला काम उसको प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। दूसरा उसको गिलोय का तुलसी का काढ़ा, उसमें जिनको कोरोना हो चुका है वे थोड़ा उसमें काली मिर्च, हल्दी, अदरक और दालचीनी, अश्वगंधा ये सब डाल सकते हैं, थोड़ा उसके अंदर बुलेठी डाल सकते हैं, और दूध में हल्दी से राजी च्यवनप्राश या डायबिटिक पेशेंट हैं तो च्यवनप्रभा का सेवन कर सकते हैं। शेष लोगों को कम से कम ये 5-7 प्राणायाम, ये तो मैं कहूंगा कि सबके लिए रामबाण है, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जायी, और होल्ड भी करना चाहिए इसमें 10 से 20 सेकेंड, अनुलोम विलोम, ये तो जरूर करने चाहिए। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत, ओम शीतली शीतकारी, इसके अलावा अब सबसे ज्यादा आफत है इसमें, एक तो अस्थमा के पेशेंट्स की, वो तो प्राणायाम तो करें ही करें तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा, दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश लें, श्वासारी का, श्वासारी गोल्ड का, श्वासारी प्रवाही का, श्वासारी क्वाथ का सेवन करें। उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है बीपी के पेशेंट, आज उसके लिए हमने सबसे पहले बताया था कि वो सिरोधारा करें, वो जो है आम फुट बांध लें, वो हिप बांध लें, वो स्पाइन बांध लें, वो मिट्टी पट्टी रख लें पेट के ऊपर और माथे के ऊपर, वो जो है ठंडे पानी से स्नान करें और अपने मन को शांत रखें, स्पाइन के ऊपर आइस मसाज भी कर सकते हैं, जबरदस्त रिजल्ट आता है। लेकिन इससे भी ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन होती है शुगर के पेशेंट्स की, तो आज मैं शुगर के लिए भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि शुगर के पेशेंट्स के ऊपर भी कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, और जो एलोपैथी की दवाइयां लेते हैं और कोरोना का भी अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है, खासकर इसके रेमडेसिविर जैसी दवाइयां लेते हैं और इससे एकदम से शुगर शूट कर जाता है, 300-400 तक शुगर पहुंच जाता है, तो क्या करें? इसके लिए 5-7 आसन मैं जरूर बताना चाहता हूं, और आम आदमी भी इसको करेंगे तो उनके पूरे वाइटल ऑर्गन, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, लंग, हार्ट, ब्रेन, ये पूरे हेल्दी रहेंगे। तो ये एक बहुत जबरदस्त अभ्यास है 5 से 7 आसनों का, सबको कर लेना चाहिए, और इससे पूरे हमारे वाइटल ऑर्गन्स वो इतने स्ट्रोंग रहेंगे कि कोरोना अटैक भी करेगा तो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये मंडूक आसन, और इसमें कपालभाति साथ में करें, आसन प्राणायाम अपने और स्वयं के रोग मुक्त होने का संकल्प, ध्यान, आसन प्राणायाम ध्यान, ये योग की त्रिवेणी हो जाती है एक तरह से, ऐसे ये मंडूक आसन करें, ऐसे
ये शशक आसन मंडूक आसन बहुत ही जबरदस्त है। मंडूक आसन के दो अभ्यास और एक आसन में एक दो मिनट से लेकर के हम 5-10 मिनट तक रोगी से ऐसे करवाते हैं, ठहराते हैं उसको एक आसन में। और डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक करते हैं। खास बात यह है श्वेता जी, हम टाइप 1 डायबिटीज जिनकी HbA1c माने एवरेज शुगर जो है जिनकी 12-13-14 तक पहुंच गई थी, उनको हमने 5-6 तक पहुंचाया। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार घटना हुई है। 2 मिनट से लेकर के विशेष परिस्थितियों में हम मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रा आसन 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करवा देते हैं। जब ये आगे झुकते हैं तो सांस बाहर छोड़ते हैं। तो पहले तो अपने घर पर ही रह करके शुगर को कंट्रोल करें। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, चिरायता, कुटकी, गिलोय, गुड़मार और सदाबहार, इनका जूस पिला देते हैं। मधुनाशिनी खाली पेट मधु ग्रेट खाने के बाद देते हैं। ये अभ्यास कराते हैं 2-3 बार औषधि का सेवन। अब अर्ध मत्स्येन्द्रासन इस प्रकार से, ये जो मैं अभ्यास बता रहा हूं ये सबसे शायद ये हो ना पाएगा अर्ध मत्स्येन्द्रासन, तो वक्रासन कर ले। ये अभ्यास 2 से अधिकतम 10 मिनट तक करा के डायबिटीज के पेशेंट को हमने नॉन डायबिटिक किया। बीपी के पेशेंट तो प्राणायाम करके ठीक हो जाते हैं, थोड़ा बहुत जरूरत पड़े तो उनको हम जो है लौकी का जूस और मुक्तावटी खाली पेट बीपी किट खाने के बाद दे देते। ये जबरदस्त है डायबिटीज के लिए भी और सब रोगों के लिए, माने हेल्दी रहने के लिए भी जरूरी है। रोज पौन मुक्तासन कपालभाति के साथ करो। लोग जनरली ऐसे 10-20 सेकंड कर लेते, इससे बात नहीं बनेगी। 2 से लेकर के 5 मिनट और बहुत ही क्रिटिकल शुगर है, क्रोनिक शुगर है, जेनेटिक शुगर है, उसको भी हमने क्रोनिक क्रिटिकल जेनेटिक बीपी शुगर थायराइड को हमने ठीक किया है। यही अभ्यास करा के पौन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन 1-2 मिनट से शुरू करके विशेष परिस्थितियों में 5 से 10 मिनट ये और ये। मैं बीपी शुगर थायराइड कोलेस्ट्रॉल पहले जैसे लोगों की दवाएं बंद करा देता हूं। थायराइड पेशेंट इस दफा कोरोना होने के बाद अलग अलग लक्षण जो दिख रहे हैं उसमें कुछ को तो सर्दी जुकाम जैसे ही लक्षण रहते हैं, कुछ को जो कि आपने ब्रीदिंग वाली सारी चीजें सिखाई हैं और जो लोग अगर आम जीवन में ही आत्मसात कर लें तो उसे काफी फायदा हो जाएगा, लेकिन जब हो जाता है संक्रमण उस स्थिति में किसी को जैसे पेट के लिए भी आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन क्या कोई आसन भी उससे जुड़ा होता है? क्योंकि पेट की सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि दवाइयां और बढ़ जाती हैं ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि दवाइयों का असर पेट पर, उसका उससे न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई दूसरी दवा। तो जो पेट के लक्षण जिसमें दिख रहे हो, पेट खराब हो जाता है जिन लोगों का, वो क्या करें कोरोना से संक्रमण के बाद? एक तो बहन जो स्वस्थ व्यक्ति है तो सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन भी करें, इसलिए मैंने करके दिखाया। पेट के लिए जबरदस्त है कपालभाति, आराम आराम से करें। 3 चीजें सुबह उठते वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस, ये 3 चीजें पी लें। कितनी भयंकर एसिडिटी, किसी किसी के तो मुंह में छाले तक हो जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है, पेट में छाले हो जाते हैं, उसको अल्सर तक, और किसी किसी को तो कोलाइटिस और बहुत भयंकर बुरी हालत हो जाती है, पूरा अंदर तक शरीर से ब्लीडिंग होने लगती है, पाइल्स फिशर फिस्टूला हो जाता है। तो एलोवेरा, लौकी और वीट ग्रास, यदि तीनों को सुबह सुबह खाली पेट पी लिया तो पेट फर्स्ट क्लास। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन सामान्य रूप से पेट के एनवायरनमेंट के लिए, और विशेष रूप से जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जीरा, धनिया, सौंफ, मुलाठी और गुलाब के जो फूल हैं उनकी पंखुड़ियां, इसको रात को भिगो के सुबह इसका पानी पी लें, ये इसके लिए रामबाण है। और किसी को फैटी लिवर भी हो साथ में तो कपालभाति के साथ मंडूक आसन और सर्वकल्प क्वाथ हम देते हैं। सर्वकल्प क्वाथ, लिवोग्रिट और लिवामृत, खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत एडवांस। मैंने 1 सप्ताह के अंदर श्वेता जी फैटी लिवर को भी अच्छा किया है लोगों के, और ये कपालभाति तो रामबाण है और ये मिट्टी पट्टी है, इसका तो कोई मुकाबला नहीं है। कोई भी मिट्टी पट्टी बहुत बनाना आसान है, कॉटन के कपड़े के भीतर मिट्टी को लपेट दिया
और वो पेट के ऊपर और माथे के ऊपर रख दिया, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। श्वेता जी खाना चबा चबा करके खाएं, 3 लीटर लगभग पानी जरूर पिए, और खाने में पहले सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ खाना खाएं। और कोरोना पेशेंट्स से तो मैं कहूंगा वो जितना हो सके अनार, सेब, पपीता, सलाद और फल जो भी और खाना चाहते हो फल खाएं, और पका हुआ खाना कम से कम खाएं, मुनक्का अंजीर जरूर खाएं। तो इससे पेट में ये गर्मी वाली समस्या, इंडाइजेशन वाली समस्या और कमजोरी वाली समस्या कतई नहीं होगी। श्वेता जी एक आखिरी सवाल आज के लिए, वो ये कि अगर कोई व्यक्ति जिसके घर में बाकी कोई संक्रमित न हुआ हो, तो अगर घर में कोरोना हो लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हो जो संक्रमित नहीं हुए हो, तो परहेज के अलावा यानी संक्रमितों के आइसोलेशन और बाकियों के दूर रहने के अलावा बाकी क्या वो कर सकते हैं कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि उन्हें तो और बढ़ाने की आवश्यकता होगी उस समय। एक तो जैसे मैंने बताया, जो जितना कर पाए सूर्य नमस्कार कर ले, आसन प्राणायाम कर ले, गिलोय जरूर सेवन करें, गिलोय ताजी लेकर के उसको चबा ले, उसको उबाल करके गिलोय तुलसी को पी ले, और अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, कोंच के बीज, बला बीज, विदारी कंद, वराही कंद और रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्भक, ये हमारे यहाँ पर सदियों से रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्भक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली अष्टवर्ग इसको बोला जाता है। अब इससे हमने ये इम्यूनोग्रिट भट्टी और इम्यूनोग्रिट पाउडर भी तैयार कर दिया है, तो कोई भी व्यक्ति जिसको जो उपलब्ध हो जाए इसमें से अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली आदि जो भी द्रव्य उपलब्ध हो जाएं, उतना यदि सेवन करते रहेंगे तो इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त रहेगी, जैसे 40 सालों में स्वामी रामदेव को एक भी कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खानी पड़ी, ना कभी सर्दी जुकाम, ना कभी कोई बुखार, ना उल्टी, ना दस्त, ना कभी फूड पॉइजनिंग। ये ताकत है योग की, इसलिए मैं सबसे कहूंगा योग को जरूर करें। 6 घंटा की नींद सबके लिए बहुत जरूरी है, खुश रहें और नकारात्मकता से, नेगेटिविटी से अपने आप को उभारें, क्योंकि जब आप नेगेटिव होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी डाउन चली जाती है, और जब आप पॉजिटिव रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, चाहे जितनी संकट, समस्याएं, मुसीबतें हमारे सामने हो, लेकिन कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी दवाई है श्वेता जी, जो हौसला रखते हैं वो बड़ी से बड़े संकटों और मुसीबतों से भी पार चले जाते हैं। श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमसे बातचीत करने के लिए। जाहिर है अगर बहुत क्रिटिकल पेशेंट हैं, बहुत उस समय खुद के डॉक्टर बनने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, हम जो आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं किस तरीके से आप अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, और जब तक ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है उस दौरान क्या किया जा सकता है।